सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए, नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल। नमस्कार, मैं हूं शहनवाज हुसैन। सुरेश चौहान के का विवादित वीडियो वायरल आईपीएस एसोसिएशन ने नफरत फैलाने वाला बताया। कथित तौर पर इस्लामोफोबिया और नफरत फैलाने वाली खबरें प्रकाशित करने के आरोप झेलते रहे सुदर्शन न्यूज और इसके एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के फिर से एक ऐसी ही खबर के लिए चर्चा में है। सुरेश चौहान के ने एक दिन पहले सिविल सेवा में मुस्लिम समुदाय के लोगों के जाने पर निशाना साधते हुए एक प्रमोशनल वीडियो पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने कहा कि वह सुदर्शन न्यूज़ पर कार्यपालिका में मुस्लिम घुसपैठ को 28 अगस्त से पर्दाफाश करेंगे। इस पोस्ट में उन्होंने मुस्लिम के लिए नौकरशाही जिहाद और यूपीएससी जिहाद जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। सुरेश चौहान के की पोस्ट और कार्यक्रम को सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर आईपीएस एसोसिएशन तक ने नफरत फैलाने वाला करार दिया। दिल्ली पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई है। यूपीएससी के अध्यक्ष को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। वैसे नफरत फैलाने के मामले में 2017 में सुरेश चौहान के की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तब चौहान के ने संभल के एक धार्मिक स्थल पर जाकर जल चढ़ाने का ऐलान किया था। यूपी पुलिस ने चौहान के को सामुदायिक के बीच नफरत फैलाने, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और चैनल के जरिए अफवाह फैलाने के आरोप में 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। वह 14 अप्रैल को रिहा भी हो गए थे। तब यह पहली बार हुआ था कि किसी चैनल के एडिटर इन चीफ को सांप्रदायिकता के आरोप में गिरफ्तार किया गया हो। बहरहाल, ताजा विवाद में भी सुरेश चौहान के पर नफरत फैलाने के ही चौतरफा आरोप लग रहे हैं। इस मामले में पुलिस से शिकायत तो की गई है, इसके साथ ही ट्विटर पर नफरत वाली भाषाओं के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी संख्या में आईएएस और आईपीएस अधिकारी खुलकर लिख और बोल रहे। अधिकतर लोगों ने सुरेश चौहान के की भाषा को सांप्रदायिक नफरत का जहर उगलने वाला करार दिया है। आईपीएस एसोसिएशन ने सुरेश चौहान के उस वीडियो को सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया, ट्वीट किया कि धर्म के आधार पर सिविल सेवाओं में उम्मीदवारों को निशाना बनाने वाले एक समाचार को सुदर्शन न्यूज टीवी द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। हम पत्रकारिता के सांप्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता की निंदा करते हैं।